हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अबाउट 2D arrays, राइट। तो अब 2D arrays क्या होते हैं? हमने पिछले लेक्चर में जो एरेज देखे थे वो थे 1D arrays, राइट। अब 1D arrays क्या होते हैं? मतलब आम ब्लॉक्स होते हैं पर एक ही लाइन में होते हैं, राइट। अब हम अगर उन ब्लॉक्स को एक मान लेते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दें, तो वो हो जाता है 2D array, राइट। तो हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं? हम उसे कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, आप देख सकते हैं, इंट एरे और दो बार स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर आएंगे, 2 और 3 लिख दिया, राइट। मतलब ये एक मैट्रिक्स टाइप है जिसमें ये 2x3 मैट्रिक्स जैसा है, मतलब टू रोज और 3 कॉलम्स है, राइट। तो इसमें अभी हम वैल्यूज कैसे लेंगे? वैल्यूज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो बार फॉर लूप रन करना रहेगा। अब दो बार फॉर लूप कैसे रन करते हैं? अब नेस्टेड तरीके से रन करेंगे। ओके, पहले हम लेंगे i=0, i<2, i++, और उसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप j=0, j<3, j++। ओके, तो फर्स्ट आएगा लूप में i=0। अब जब i=0 आ गया है तो हम पहले तो यूजर से वैल्यूज लेंगे। ओके, तो पहले प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू फॉर एरे और इधर %d आई जे, राइट। तो पहले आई की वैल्यू है 0, जे की वैल्यू भी है 0, तो 0 0 जो इंडेक्स है, मतलब 1x1। ओके, हम लिखते हैं ना ए आई जे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, एलिमेंट जो 1x1 में होता है उसको हम ए आई जे फॉर्म में लिखते हैं। ये वैसा ही कुछ तरीका, मान लीजिए 0 0, मतलब दोनों इंडेक्स 0 है और उसमें हम वैल्यू लेंगे, और एम्परसेंट मतलब हम इस एड्रेस में उसको सेंड कर रहे हैं। ओके, और ये एरे में जब दोनों 0 इंडेक्स होंगे उसकी जो एड्रेस है उसमें ये वैल्यू चली जाएगी, हमने स्कैनएफ से वो वैल्यू ले ली। ओके, ये लूप एक बार पूरा हुआ, अंदर वाला लूप फिर वापस चलेगा। अब जे की वैल्यू है 1 लेकिन आई की वैल्यू अभी भी 0 ही है, तो अब ये 0 1 के लिए वैल्यू पूछेगा और आपको 0 1 के लिए वैल्यू डालनी है, फिर 0 2 के लिए वैल्यू पूछेगा, आपको 0 2 के लिए वैल्यू डालनी है। अब एक बार ये हो गया, अब जे की वैल्यू हो गई 3, तो j<3 की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो अब वो आगे नहीं बढ़ेगा और ये लूप एग्जिट कर जाएगा। फिर आएगा बाहर वाले लूप में, अब i=0 से i=1 हो जाएगा, फिर वापस से सेम प्रोसेस रिपीट होगा और वो आपसे सारे जो 6 एलिमेंट्स है, 2x3 मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स होते हैं, राइट, 2×3 6, तो 6 एलिमेंट्स के लिए आपको टोटल वैल्यूज एंटर करनी रहेंगी, डेटा 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। एक बार आपने वैल्यूज इनपुट कर दी हैं, डेट मीन्स द यूजर हैज इनपुट द वैल्यूज इन दिस 2D array, देन हमें इस ये जो printf फंक्शन है इस हम पहले नेस्टेड फॉर लूप से सेम तरीके से अब printf फंक्शन का यूज करके हम प्रिंट करने वाले हैं ए सारे 6 के 6 एलिमेंट्स, राइट, इन अ फॉर्म ऑफ 2x3 मैट्रिक्स। अब वो कैसे करते हैं? पहले हमने i=0 रखा और j=0 रखा नहीं, मतलब फर्स्ट इटरेशन में बाहर के लूप में, राइट, आउटर लूप में i=0 है और इनर लूप में j=0 है, तो 0 0 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, लूप वापस रन होगा, अभी लूप खत्म नहीं हुआ है। j=1 आया, 0 1 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। ओके, इधर स्पेस है, ओके, तो ये डबल कोट्स में, तो स्पेस के साथ प्रिंट होगा, राइट, मतलब फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। वापस लूप रन होगा, j=2, तो 0 2 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। अब j हुआ 3, ये कंडीशन फॉल्स हो गई j<3 वाली, तो ये लूप अभी एंड हो जाएगा, इनर लूप बाहर आया। अब ये आउटर लूप के अंदर अभी भी एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है, डेट इज प्रिंट स्लैश n से क्या होगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। ओके, न्यू लाइन में आया, i=1 हो गई, सेम प्रोसेस रिपीट हुआ, जो 6 एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाएंगे और जब ये लूप खत्म, रिटर्न 0 से प्रोग्राम एग्जिट कर लेगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, हमने रन दबाया है, ओके, ओप्स द कनेक्शन लॉस्ट, जस्ट अ सेकंड, पेज रीलोड कर लेता हूँ। हाँ, अब रन करते हैं। ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ, एक बार मैं पेज रीलोड कर लेता हूँ। माय प्रोजेक्ट्स, 2D arrays में जाते हैं, हाँ, और अब इसे रन करके देखते हैं।
क्यों हो रहा है ये, जस्ट सेकंड में पॉज। हाँ तो अभी हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और अभी मोस्टली प्रोग्राम रन हो जाएगा। हाँ प्रोग्राम अभी रन हो गया है, जस्ट सेकंड। अभी ये हमसे इनपुट मांगेगा टू एंटर द वैल्यू फॉर द एरे एट इंडेक्स 0 0। ओके हमने 0 0 पे वैल्यू डाली है 33। हम इसे एंटर करते हैं, अब 0 1 पे वैल्यू ले रहा है ये। हम डाल देते हैं वैल्यू 12 और नेक्स्ट डाल देते हैं 42। अब ये नेक्स्ट रो में आ चुका है फर्स्ट कॉलम, हम वैल्यू डाल देते हैं 34, फिर डालते हैं 15 और फिर डालते हैं 78। ओके तो अब ये 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो चुका है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स का डायमेंशन है 2x3, डेटा 2 रोज 3 कॉलम्स, 33 12 42, 33 12 42, 34 15 78, 34 15 78 प्रिंट हो चुका है। तो बेसिकली एक एग्जांपल था कि हम 2D एरेस को कैसे यूज करते हैं, और ऐसे ही 3D एरेस, मल्टी डायमेंशनल एरेस का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके और बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल आशुतोष असवानी IIITN। थैंक यू सो मच।